रहमतुल्लाह व बरकात। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बादु औज़ु बिललाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बैठिए इसकी लहर मोबाइल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये किधर है अब्दुल रशीद साहब? किधर है ये कैमरा? किसका ही है? अच्छा ये उसको उतारें जिसका भी है। जल्दी करें उसको, क्लोज करें उसको पहले। जब इनको पता है कि वो नहीं लगने देते तो फिर जलसे का माहौल ज़रूर ख़राब करना होता है। ये बरकत होती है कैमरों वालों की कि जहाँ ये होते हैं ना वहाँ फसाद ज़रूर होता है। वो भाई कितना समझदार, उसने खुद क्लोज़ किया, अल्लाह उसको जजा दे। और ये ऐसे बटन दबाकर उधर खिसक गया है। घुमा यार इसका, दे उसको घुमा दे। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। اللهم صل على محمد و على آل محمد। बेटा बैठ जाए, अब ना इस तरह करें आप, बैठ जाए। हम सल्लैत आला इब्राहीम व आला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد। इतना मजमा है, जिस चीज़ से कुछ मिलना है ना उस पे हम खामोश रहते हैं। मेरा ईमान है किसी मैरिज आ लगे बरात जाए ना उदे च लाड़ा ना ना होवे तो उस बरात नू ना रोटी लभदी ना बोटी लभदी। अल्लाह कहंदा है कि अर्श ते जेड़ी इबादत आंदी है जिदे च दरूदे पाक ना होए अल्लाह आंदा है वापस लै जाओ, विच दरूद वाला ते लाड़ा लियांदा ही नहीं गा। ये जो किसी ने कहा है ना कि मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद, ये बिल्कुल जुमला ठीक है। अल्लाह के फजल से हमारा अकीदा है असा मुर्दा कदी उंज बख्शाया ही नहीं। साढ़े जनाजे च असी फातिहा पढ़ने दरूद पढ़ने फिर साढ़ा मुर्दा जन्नत जाता है। असी फातिहा ते दरूद तो बिना तो मुर्दा कदी बख्शवाया ही नहीं। साढ़ा अल्लाह के फजल से ये ईमान है। बेटा बातें ना करो, मेरे पास बैठे हैं तो ध्यान से छोड़े मोबाइल और गुफ्तगू सुने, छोड़ो इसको गुफ्तगू सुनो। तीन चार तुसी बह गए जे सामने जलसा खराब कर ली। मैं बड़ा खुश हाँ कि इतनी प्यारी मस्जिद बनाई है इन्होंने, और अभी सीलिंग होगी, टैलें लगेंगी और खूबसूरत होगी। मैं दुआ करना है जिन्नी सोहनी हाजी अब्दुल रशीद साहब और इन्होंने नमाजी दोस्त अहबाब और इमाम मस्जिद मिल के मस्जिद बना रहे, अल्लाह उतने ही खूबसूरत नमाजी बनाए। नमाजी खूबसूरत मैं लफ्ज़ क्यों कहा है? ऐसे नमाजी नहीं हमें चाहिए कि जो आपस में लड़ते रहें मस्जिद में। मस्जिद में तो अल्लाह वो नमाजी दे जिसके आने की भी किसी को खबर ना हो और जाने की भी खबर ना हो, बस सलाम ले और नमाज पढ़े और घर में जाए। यहाँ बात करना भी पसंद ना करे कि मैं सबसे बड़े के घर में आया हूँ, कुछ लेकर ही जाना है, कुछ यहाँ से बिगाड़ कर नहीं जाना। आज सुकून वाले नमाजी कहाँ मिलते हैं? खूबसूरत नमाजी कहाँ है? मैं पाकिस्तान में 26 साल हो गए हैं, मैं करिया करिया जा रहा हूँ, मेरी तबलीग की उम्र 26 साल है। और मैंने 26 सालों में मस्जिदों में लड़ाइयों की वजह से कत्ल होते देखे हैं। इधर हमारे लाहौर में 5 कत्ल हुए मस्जिद, 2 राई मरे,
दो एक बरादरी दे मरे, दो एक दे मरे, ते मौलवी फिर मसीते जुमा पढ़ा रहे। हंसने वाली बात नहीं, गलत लम्हा फिक्री है कि आज कितनी ये मोबाइल क्यों नहीं उतारे भाई जान, ये आप उतार दें, इसको क्लोज कर दें बस। तनु पता है भाई मैं बार बार कहूँगा अच्छा नहीं लगता, अल्लाह तनु जुजा दे समर दी, सी डी वाला मान लवे तो बड़ी गल होती है भाई, अल्लाह आपको जुजा दे इसकी। मैं दुआ करना है कि ये मस्जिद जिमें जिमें खूबसूरत बनती जाए तो आजी साहब की मस्जिद च खूबसूरत नमाजी पैदा होते जा। कैसे नमाजी, मैं उ चीज़ों बयान करनी है उस वाय रसूल विचों कि अल्लाह सानू इस अमर की जजा अता फरमा दे और एक एक लम्हा हमारी निजात का जरिया बनाए। मुझे बुखार बड़ा है, बैठा नहीं मेरे से जा रहा था, मगर मैं इनको इनकार भी नहीं कर सका, हाजी साहब मेरी मस्जिद एक होर जगह तो मैं मिले तो कहते साढ़े जलसे चाहना, मैं क्या जरूर पहुँचा। और मैं बड़ा खुश हाँ कि तुम इन्नी सर्दी च अल्लाह के घर च आए जे। मैं ताड़े एक लफज कहना है कि ताड़ी यारी अल्लाह रसूल ना लगी है, पक्के भांडे कदी टुटते नहीं, हथी लाए बूटे माली पुटते नहीं, खून दे रिश्ते टुट जाते हैं तो यारी दे रिश्ते छुटते नहीं। हजरत सदीके अकबर की यारी भी तुसा वेखी। मैं दुआ करना अल्लाह सारी दुनिया नालों ताड़ा तलक खत्म करा के अपने नाल यारी लवा लवे। जेड़ा अल्लाह ने यारी लाना चाहता हाथ खड़ा करें जरा, मैं पता लगे माशाल्लाह माशा गल तो बन गई, सारे अल्लाह ने यारी लाना चाह। हुण अल्लाह ने यारी तो वो ला सकता ना जेड़ा ओदे वर्गा किसी नूं जमीन ते ना समझे। ए कुड़ियां मुंडे रात नूं फोन ते गल्लां करदे ने और ए बच्चे वो सिम पाते ने जिदा नंबर किसी कोल ना होवे। जरा सुनिए, अगर उस कॉल च किसी की कॉल आ जाए तो एक बंदा उन्हें ब्लॉक कर देता है कि तू मेरे होंदया किसी ना गल कर रहा, या दूसरा कहती है मेरे होंदया तू किसी ना गल कर रहा। चलो जिन्हों असी बेहिया समझते हैं ना, वो जमीन तो शरीक बर्दाश्त नहीं करता, तो रहमान अपना शरीक किवें बर्दाश्त कर ले। बेहिया लड़के लड़कियां बिना मोबाइल तो अब जी बिना निकाह तो गल्लां करदे ने जिन्ने मुंडे, इन्हां नूं मां प्यो आंदा पुत्तर फ्रूट लैके खाइए, लोड करा लैंदे पैकेज लांदे ने। हाजी साहब गल मैं करनी है क्योंकि मुआशरे में ये चेंजिंग आए कि ये नौजवान जमीन पे अपना शरीक बर्दाश्त है, ऊंची बोलो यार शरीक बर्दाश्त है, ये अपनी मोहब्बत में किसी को प्यार में शरीक बर्दाश्त तसव्वर करना, बर्दाश्त तो दूर की बात तसव्वर में भी नहीं लाते। अब मैं पूछना चाहता हूं ये लड़कों और लड़कियों से कि तुम जमीन पे अपना शरीक बर्दाश्त नहीं, तुम्हें पता चल जाए ना कि फलां लड़का मेरी मोहब्बत में आंख मार रहा है तो तू ओदी अख कट देना, मुंडे लैके ओदे गल पै जाना। हाँ जी ये मैंने निज़ाम देखा, मैं कई पुलिस वालों के पास जाता रहता हूँ सिफारिश इनाम जी लेकर के, यार ये बाप एदा प्यो नमाजी है, मुंडा खच निकलिया तो प्यो का की कसूर है, कई जाना रहना है भाई बच्चे बात सुने, ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। इतना मजमा है, मैं आपको ये बड़े तरीके से बात आज समझानी है कि ये लड़के और लड़कियां रात को जानू मानू के चक्कर में भी जमीन पे अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करती, ये 6 फुट का इंसान कितना बेवकूफ है। इतने बड़े रहमान से यारी चाहता है और फिर उसका शरीक डोले में तवीज बांध कर बैठा हुआ है, डोले तवीज बांध के तो उन्होंने आंदा बस मेनू तेरे ते यकीन है, एडा वड्डा रब छड़ के ते 1.5 इंच दी 2 इंच 3 इंच 4 इंच दी है डोरी ते ते एक एडा कुछ सुनियारियां को तवीत मड़ा के डोले ना बनी आई, जे सुनियारा तेनू मड़ के तवीत देवे ते तेरे डोले ते जिसम दी फास्त कर सकदा तवीत ते चलिया, जिन्हें तेनू लिख के दिता उन्हूं भी एक गल च इहो जिहा पवा किते ओह मर ना जाए, किते तेरा सुकून ही ना बर्बाद हो जाए, ओह ही हमेशा जिंदा रहे। जो सुख देता है आदमी वो तो हमेशा लैना चाहिए। अल्लाह कहंदा जे हमेशा सुख लैन वाला ते देन वाला लभना ही ना ते फिर फर्श ते नहीं लभेगा, एक जात अर्श ते जड़ा सारे जहान नू क्यामत तक सुख देन वाला है।
हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो जी मेरा महबूब नहीं मानता। अब बताएं ये पढ़े लिखे बच्चे, हजरत साहब कह रहे थे CSS करें, जब CSS करके भी इन्होंने अल्लाह का शरीक ही ढूंढना है। मैं MA पढ़े बच्चे तुम्हें दिखाता हूं, वो मौलवियों के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, बस जी मेरा महबूब नहीं मानता, उसकी बगैर मैं मर जाऊंगा, चूहे मार गोली खा लूंगा, वरना मेरा कुछ करो। अब बताओ लाहौरी ये बच्चे बैठे हैं नौजवान, MA पढ़े बच्चे जब तवीज वाले के पास जाएंगे तो क्या इलम उसका फायदा है? कहते लालची जिंदा हुआ ठग भुखा नहीं मरता। अब उसको लालच के महबूब मेरे कदमों में आ जाए, हम दसो अगर कोई किसी नूं किसी दे कदमां च लिया सकदा हुंदा ते इमरान खान नवाज शरीफ ने बोलो आउन देना ही वजीर आजम, ते या फिर इमरान खान ने नवाज शरीफ नूं लंदन छड़ना ही, उन्हें इत्थे लै आउणा ही। बोलो खान साहब दे घर भी तवीज धागा बड़ा हुंदा है। हाँ जी, अज मेरे नाल हथ खड़ा करके वादा करो जी अल्लाह ने यारी लाउणी है ते फिर उहदा जमीन ते शरीक नहीं कोई बनाउणा। चुको जरा मैनू पता लगे हाँ, फिर ताड़ी यारी लवाई है अल्लाह नाल, हाथ चुको यार ढिले पै जाते जे मैं हैरान, अल्लाह वरी भी ताड़े बाहां थले नहीं होंदे, उच्ची करो जरा चुको पता माशाल्लाह बल्ले 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 बल्ले, अल्लाह गवाह बन जा सारे तेरे यार बनना चाहते ही। तो मेरिया मावं भैन पर्दे च बैठिया, मैं उन्होंने भी एक बई इसको डाल लो जेब में, मैं बड़ा खिलाफ इस काम के, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई नई सीढ़ी वाले से लड़ाई शुरू हो, क्योंकि मैं अगे बड़ी लड़ी है। तो बात सुनने बस ध्यान से, बस आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस तरह डिस्टर्ब करने का मौका ना देना। जितने आप बैठे हैं एक एक बात याद रखना, मेरिया मावं भैन पर्दे च उपर होगी उन्होंने भी नसीहत, वह भी अल्लाह दियाँ बंदियां बनना चाहदियाँ, थले तो वादा हो गया है, तो तुसी भी 9 महीने जदों बच्चा पेट च रख दियाँ जे उदों बिल्कुल बेफिक्र होकर सौंदियाँ जे, ना तुहानू पता इन्हें मिठा पीना है, ना तुहानू फिक्र इन्हें खट्टा पीना है, ना तुहानू फिक्र इन्हें रोटी खानी है, ना तुहानू फिक्र इन्हूं बुखार होया है। बच्चा माँ के पेट च ना जी उल्टा भी हो जाता है, डॉक्टर कहिंदे ने कोई गल नहीं अल्लाह बचाएगा, बच्चे हाथ भी लांदा माँ के पेट च, माँ नूं पता लगता है नहीं। कमलीए भैने तू रब नूं मन के 9 महीने बेफिक्र रही है कि अल्लाह मालक है, हुण मंजी दे उत्ते आउंदिया ही इहदे सराहणे माचिस रख दित्ती, एडे वड्डे रब दा शरीक एडी कोई डब्बी लभी, केडी कोई डब्बी, उच्ची बोलो माचिस, और माचिस एडी अमतरी चीज है जिहड़ी मर्जी महंगाई वाली हुकूमत आ जाए यह सस्ती रहिंदी है, एडी अमतरी जिहड़ी मर्जी हुकूमत होवे महंगाई जिन्नी मर्जी होए, बोलो अग लाउण वाली चीज हमेशा, इस मस्जिद जिहड़ा नमाजी अग लाउण वाला ना वह सारी मस्जिद च सस्ता है, उन्हूं ना कोई मूंह लाउंदा है, उहदा ना कोई सलाम लैंदा है, बल्कि आए नवे मौलवी नूं भी बंदे कह देंदे ने ऐत तो बची बाकी खैर है। हाँ जी, अग लाने वाला बंदा बाजार च हो बाजार च कोई कीमत नहीं, अग लाने वाला बंदा कोई जवाइया च हो उस जवाई की कोई कीमत नहीं, अग लाने वाला कोई साला होवे सालियां च कोई कीमत नहीं, अग लाने वाली कोई नौ होवे उस नौवां च नौ की कोई कीमत नहीं। लोग आंदे ने तो बचाओ, अग लाने वाली महल्ले च कोई बीबी हो सारा महला आंदा या अल्लाह तो बचा। और बोलो इन्ने बैठे अग लाने वाली चीज की कोई कीमत, आ पानी की बोतल अज भी माचिस तो महंगी है, आ किन्ने दी हजरत साहब? 50 दी है। मैं तो तद रेट नहीं दस्या, अं कड़ी मुल लैने, सानू लोग भी इंज गड्डी च रख देंदे ने, लो मौली साहब पीती जाओ, मेरे को तो खैर बहुत ही आंदे ने मशहूरी करवाउण भी, मौली साहब मशहूरी एक दे दो ते आ बोतलों का डब्बा ताडा, मैं बिस्मिल्ला मेरा मूँह हल हिलना है तो सानू मुफ्त लभ जाना, होर की चाहिए, मेरी जबान हिलनी मैं मशहूरी दे देना। अच्छा आ 50 की बोतल है, बोलो हुण इहदी कीमत क्यों ज़्यादा है? ये अग बुझाउण वाली है, अग बुझाउण वाली चीज़ की हर दौर च कीमत हुंदी। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ते जिन्हें फूक मारी सी ना वह किरले नूं अज भी कोई असीयत नहीं, वेखना भी नहीं लोग चाहते, पर जिहड़ी चिड़ी ने चुंज भर के पाया सी ना लोग अज भी उहदी इज्जत करदे पए ने। लिखे बैठे अज वादा करो हाँ तुसी अग लाउण वालियां च रहना या बुझाउण वालियां च रहना है? हाथ खड़े करो जरा, खड़ो खड़ो वेलो अल्लाह ना तुहाडी यारी लुआ रहे हैं, फिर तुसी समझण नहीं दे,
जे ते अग लाउण वाले होए ते फिर शैतान नाल यारी, ते जे अग बुझाउण वाले होए ते किहदे नाल यारी? रहमान नाल यारी। जिहड़े अल्लाह वाले हुंदे ना वह किसी नूं बोलो तंग करदे नहीं करदे। अच्छा हुण मैं जुमला सुनाउणा चाहुंदा तुहानूं कि यह किड्डी वड्डी कीमती चीज़ है कि सही बुखारी च लिखिया है एक बंदे नूं दोज़ख दा आर्डर जारी हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने इनू मेरे बंदे नू जहन्नम मां लै जाओ, मैं चलान कर दिता है। कायनात दे सरदार नबी नू मानने वालो, लाहौरिया गल बड़ी वड्डी जे पल्ले बन लवे, मेरियां भैणां भी ध्यान ना सुन लन, मेरे वीर भी ध्यान ना सुन लन। ये नबी पाक ने फरमाया है ये बंदा जहन्नम वल जा रहा है, रो रो के जा रहा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने इनू वापस लै के आना, जदों वापस लै आया जाएगा अल्लाह पाक अपनी नूर की चादर। इमाम बुखारी साहब ने इंजी लिखा है ना, अपनी नूर दी चादर दे थले इस बंदे नू विच कर लैणगे इंज करके, ते नाल अल्लाह कहणगे आ गुनाह कीता है कि नहीं कीता। एक वे गल आए ते मेरी बेगम नू भी पता नहीं सी, ये ते मेरे किसी यार नू भी पता नहीं, हाँ मैं कीता है। अल्लाह कहणगे आ भी गुनाह कीता है, मौला आ भी गुनाह कीता है। अल्लाह कहणगे ए भी गुनाह कीता, मौला आ भी गुनाह कीता। तवज्जो मेरे वल बच्चे, बाद चो कान च को गल दस दवी, उन्हें कड़ा मर जाना के बाहर एंबूलेंस खड़ी है, तू जरनल ले जाना है उन्हों, वो दे कान च उन गल्ला नहीं करनियां, गल सुननी मैं वेखदा पिया तेनू। तवज्जो मेरे वल, जिन्ने बैठे जे अल्लाह पाक इंज नूर दी चादर कवो, सुभान अल्लाह। साडा बाबा कहिंदा हुंदा सी ना हाजी साहब, वो कहिंदे हुंदे सी ओए कदों खुलना कुंड लोका दाए, जदों जलसा रोज जजा दाए। ओए कदों उतरेगा कदमी चमाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, खैर गत मलंग मस्ताने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू। अल्लाह जिन्ने बोलते ने इन्हों अपना दीदार नसीब फरमा, अल्लाह अपने महबूब की जियारत नसीब फरमा। यार हजूर की जियारत वास्ते इन्नी उच्ची आमीन कहो, अल्लाह तुहानू ख्वाब च अपना सोना विखा देवे। अल्लाह जिन्हां ने आमीन किया इन्हां दीआं सत नस्लां नू अपने हबीब की जियारत करा। अल्लाह की कसमे अजी साहब जिहड़ा हजूर नू वेख लैंदा है ना, उहदे हुसन दे क्या कहने, उहदी शान दे क्या कहने। अल्लाह हजूर की जियारत आ जाओ अहमद भाई अगे, जिन्हें बैठे जे लफ्ज़ सुनने वाला है हुण दसो भी जिहड़ा अल्लाह दी बजुर्गो नूर दी चादर दे थले होए ते अल्लाह पाक उहनू सारे गुनाह विखा रहे हो, क्या भी कीता ही आ भी कीता ही, ते ओ कवे हाँ कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरे सारे गुनाह मैं एक पासे कर देने, पर तेनू मैं अपनी नूर दी चादर च क्यों लिआंदा है, तू मेरे वर्गा जमीन ते किसे नू समझिया ही नहीं सी। तेरे खाते च सारे गुनाह है गेने, पर तू मेरे बराबर जमीन ते किसे नू नहीं समझिया। तू मेरे नाल सारा कुछ यारी ला के क्या है, मेरे च कमियां हो सकदियां ने, जिन्हों रब मनिया वो दे वर्गा फर्श ते भी कोई नहीं, ते दुनिया दे उत्ते किसी शहर च भी कोई नहीं, किसी मुल्क च भी कोई नहीं। इन्ना शिरकाला जुलम अजीम, अल्लाह कहिंदा सारे ही तेरे जुलम बर्दाश्त कर जाऊंगा, पर जिदन मेरे वर्गा जमीन ते समझ लिया ना उदन फिर खाना खराब कर देवांगा। इन्ना हूं मैं युशरिक बिल्ला पकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्ना, अल्लाह का फिर मैं जन्नत ही हराम कर देना। अच्छा भी इन्ने बैठे जे दसो सारे गुनाह ही गुनाह होन, ते एक उहदे नाल ही सिर्फ वफा होवे, ते बोलो फिर मेहरबान होएगा कि नहीं होएगा। ते जिहदे डौले नाल तवीत बन्निया होया ते बट विच रखिया होया ते गले च रखिया, जे गाहक बहुते आउणगे जिन्हें रख के तेरे कोल पैसे लैने, उस अंतरे को नहीं बहुते आ सकते पहले पैसे। वो जो तेनू आंदा है जी मेरा काम नहीं चलता, वो जी मेरी दुकान नहीं चलती, उहदा 10,000 मैनू फड़ा, तेरा चले ना चले मेरा चल गया। सवाद ते तद ना भी तेरे मुश्किल कुशा 10,000 ना लैन, पहलों तेरा गला भरन। हुण मैनू जो हाजी अब्दुर रशीद आखे कि नासर मदनी साहब साडी मसीत नहीं बनती ते टैलां ला दे, ते मैं इहनू आखां छड़ परां आपां किसे को की लवाउणी है, हाजी आ हुणे कर गला मैं भर देना ते जाके मसीत बना ला।
स्वाद तो ता देना। तो जे मैं आखा बाजी आ तवी तू जेब च रखना है हूँ अज ही मर भी जाऊ तो नहीं बननी है। सच्ची गल कर रहा तवीज रखिया गल बननी है। जे तवीज रखिया ही खजाना भरता है तो शबाज शरीफ लोगों दिन मिन्नत को कर रहा है आटा लोग लैना च ला के खज्जल हो रहे हैं फिर उन्होंने भी चाहिए कोई खजाने च रखन। अभी बाहर के मुल्क दिन मिन्नत करते फिरते साडा कर्जा ही उतर जाए।